वालेकुम टू फो क्लास, कैसे हैं आप? हमने जो सब्जेक्ट खोला है आपका वो है उर्दू का। उर्दू के समोपैक पर फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा नकाबा की पिक बनी हुई है। आपने उसमें कलर कर दिया है अच्छे से, ठीक है। आज का हम अपना लेसन खोलते हैं। हमने आज सुनी है हम्मद। हम्मद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है उसको क्या कहते हैं? हम्मद। आज का हमारा पहला सवाल है, नज़म में शायर ने किन नियमतों का जिक्र किया? अल्लाह की किन नियमतों का जिक्र किया है नज़म में? शायर ने मुख्तलिफ नियमतों का जिक्र किया है। आपने मेरे साथ साथ लिखना है। फैसला नंबर टू है, जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो क्या करते हैं? जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो तब बरसात का मौसम शुरू होता है। ये इसका आंसर है। जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर लिखते हैं आप भी मेरे साथ साथ लिखो। जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो बरसात का मौसम होता है। थर्ड क्वेश्चन है, उसान हता होने से क्या मुराद है? उसान हता से मुराद है कि अपने होशो हवास में ना रहना। उसान हता होने से मुराद है कि अपने गलत हो गया, अपने होशो हवास में ना रहना। उसमें ना रहना। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, बहार किस मौसम के बाद आती है? बहार सर्दी के मौसम के बाद आती है। बहार सर्दी के मौसम के बाद आती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हमारी मुश्किलात किसने आसान की हैं? हमारी मुश्किलात हमेशा खुदा ने आसान की हैं। हमारी मुश्किलात हमेशा खुदा ने आसान की हैं। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। हम्मद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। क्वेश्चन नंबर वन है, नज़म में शायर ने किन नियमतों का जिक्र किया है? नज़म में शायर ने मुख्तलिफ नियमतों का जिक्र किया है।
सवाल नंबर दो है आपका, जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो क्या होता है? जब लोग बारिश से घबरा जाते हैं तो बरसात का मौसम शुरू होता है। सवाल नंबर थ्री है आपका, उसान हता होने से क्या मुराद है? उसान हता होने से मुराद है कि अपने होशो हवास में ना रहना। सवाल नंबर चार है, बाढ़ किस मौसम के बाद आती है? बाढ़ सर्दी के मौसम के बाद आती है। हमारी मुश्किलात किसने आसान की हैं? हमारी मुश्किलात हमेशा खुदा ने आसान की हैं। ठीक है,